नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्खियों में। राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के पीसीओ ने किया सुसाइड, नोट में लिखा कोरोना से डर गया हूं। राज्यसभा सांसद और प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री रहे रामविचार नेताम के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर ने आत्महत्या कर ली। उनका शव गुरुवार शाम को रायपुर के सिविल लाइन्स स्थित सिंचाई कॉलोनी के सरकारी आवास में पंखे से लटका मिला। पुलिस को मौके पर एक पेज का सुसाइड नोट भी मिला। इसमें कोरोना से डरकर आत्महत्या करने की बात कही गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अब परिजन से इस बारे में पूछताछ की जाएगी। छत्तीसगढ़ में शनिवार 23 मई को सामान्य अवकाश घोषित। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण एवं महामारी के विस्तार को रोकने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में मई माह के हर शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के परिपालन में राज्य शासन मई माह के चौथे शनिवार 23 मई को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में सामान्य अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में मिले 16 नए कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने ट्वीट कर दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में कोरोना के आज 16 नए मरीज मिले हैं। इस नए मरीजों के साथ अब प्रदेश में कुल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 79 हो गई है। 16 नए मरीजों में कोरबा से 13 मरीज हैं, वहीं बेमेतरा से एक और दो मरीज कांकेर के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक सभी प्रवासी मजदूर हैं जो हाल ही में दूसरे प्रदेशों से आए थे। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,18,447 हुई। अब तक 3,583 लोगों की मौत। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में पिछले कुछ दिनों में बेहद ही तेजी से इजाफा हो रहा है। कई दिनों से लगातार रोजाना 5,000 से ज्यादा मरीज पॉजिटिव मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक देश में 1,18,447 कोरोना वायरस के मरीज मिल चुके हैं। इसमें से 3,583 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 6,088 नए मरीज मिले हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स पर अमेरिकी कंपनी KKR करेगी 11,367 करोड़ निवेश। अमेरिका के इक्विटी फर्म KKR द्वारा जियो प्लेटफॉर्म्स में $1.5 अरब के निवेश का ऐलान किया गया है। लॉकडाउन के बीच में रिलायंस इंडस्ट्री की किस्मत में लगातार चांदी ही दिख रही है। रिलायंस समूह की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में लगातार विदेशी कंपनियां भारी निवेश कर रही हैं। एक महीने के भीतर ही रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स में फेसबुक इंक, जनरल एटलांटिक, सिल्वर लेक और विस्टा इक्विटी पार्टनर्स के द्वारा निवेश का ऐलान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी, गोमती नगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शुक्रवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी भरा एक मैसेज मिला। किसी ने डायल 112 की सोशल मीडिया डेस्क से व्हाट्सएप पर धमकी भरा यह मैसेज भेजा। RBI का रेपो रेट में कटौती का फैसला, EMI भुगतान पर 3 महीने की अतिरिक्त मोहलत। कोरोना संकट को देखते हुए मोदी सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ की आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। देश के सामने इस पैकेज का ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रख चुकी है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत देश ने रेपो रेट कटौती का ऐलान किया है। इस कटौती के बाद RBI की रेपो रेट 4.40% से घटकर 4% हो गई है। इसके साथ ही लोन की किस्त देने पर 3 महीने की अतिरिक्त छूट दी गई है। मतलब कि अगर आप 3 महीने तक अपने लोन की EMI नहीं देते तो बैंक दबाव नहीं डालेगा। अम्फान से बंगाल में तबाही, PM मोदी ने किया 1,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान। पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान अम्फान की वजह से भीषण तबाही मची है। यहाँ पिछले 283 साल में आए ये सबसे भयावह तूफान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अम्फान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वे के बाद PM मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए 1,000 करोड़ रुपए की शुरुआती मदद का ऐलान किया है। इसके अलावा जल्द ही केंद्र की एक टीम राज्य में जाकर विस्तार से सर्वे करेगी। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान का मेकओवर, जीता सबका दिल। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान उन स्टार किड्स में शुमार है जो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। वे जब भी सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करती है उसके कुछ ही देर बाद तस्वीर वायरल होने लगती है। आज सुहाना खान का जन्मदिन है, वह 20 साल की हो गई है। ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप की उम्मीद बेहद कम।
इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर मेजबान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को बेहद कम उम्मीद है। हालांकि सीए प्रमुख केविन रॉबर्ट्स का मानना है कि साल के आखिरी में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर सकती है, इसकी 90% संभावना है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। अगर आपके घर के बिस्तर के ऊपर कोई बीम आ गया हो, अगर आपका बिस्तर बीम के नीचे आ गया हो, तो ऐसा बिस्तर या ऐसा निवास करने वाले जातक को वास्तु के दोष लगते हैं। आपको मालूम है कि उस बीम पे पूरे छत का भार रहता है, तो जब भी हम उस बीम के नीचे सोते हैं तो शरीर का जो भी अंग हमारा बीम के नीचे आता है तो उस पे कोई ना कोई बीमारी आनी शुरू हो जाती है। बीम के नीचे अगर आपका ऑफिस का टेबल भी है तब भी आप हमेशा तनावपूर्ण रहते हैं। तो अगर आपके घर पे, ऑफिस पे या कार्यस्थल पे बीम आ गया हो तो आप उसको फॉल सीलिंग करके उसका उपचार कर सकते हैं। अगर आप तुरंत फॉल सीलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप मार्केट से दो बांसुरी लें और बांसुरी का जो बजाने वाला हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, उसको बीम के नीचे रख के आप त्रिकोण के आकार पे उसको लटका दें। इससे आपके बीम के दोषों का निराकरण संभव है।